गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू अदर वीलॉग। 2018 का फर्स्ट एडवेंचर वीलॉग आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। एंड दिस इज द वीलॉग ऑफ माय ट्रिप टू चंद्रताल, फिर वहाँ से किलाड़ किश्तवाड़ एंड देन नाइट स्टे एट साच पास। सो दिस इज द फाइनल वीलॉग ऑफ दैट सीरीज। बिफोर आई विल लीव फॉर चादर ट्रैक लेह लद्दाख डे आफ्टर टुमारो, सो आई थॉट दैट आई शुड पब्लिश माय फर्स्ट वीलॉग ऑफ दिस ईयर, एडवेंचर वीलॉग ऑफ दिस ईयर। फिर क्योंकि एक्चुअली आई विल बी देयर फॉर नियर अबाउट 12 डेज, तो आई विल शेड्यूल अ वीलॉग इन बिटवीन। तो 25th ऑफ दिसंबर को केदारकंठा का ट्रैक किया था, माय लास्ट 3 ट्रिप्स टू केदारकंठा एंड हरकीधुन। इस साल सीरियसली इट वाज अ केओस, बहुत भयंकर भीड़ थी, थाउजेंड्स ऑफ हेड्स वर देयर, मतलब माउंटेंस कम और सर सर जाती थे। वापसी जब आता तो आई एनकाउंटर दोज पीपल, लकीली तो तब तक ट्रैक ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया था, वो पब्लिश करूँगा। एंड व्हेन आई विल बैक फ्रॉम चादर ट्रैक, जो मेरे दोस्त जानते हैं मेरे को, 2 years बैक व्हेन आई कंप्लीटेड माय चादर ट्रैक ऑफ लेह लद्दाख, तो दिल को छू गई थी एक्चुअली। वहाँ के जो पोर्टर्स आपके लिए डेडिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा आपसे इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, और हार्डली दे अर्न 600-700 rupees। 11 महीने वो पूरी दुनिया से अलग रहते हैं, एक महीना केवल वो चादर जमती है, तो वो अपनी अर्निंग्स आपके कह सकते हैं कि के लिए अपना पोर्टर्स का काम करते हैं। उनकी लाइफ से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी एट चादर ट्रैक, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा उनकी लाइफ के ऊपर। सो दिस टाइम अभी मैं जब जाऊंगा आपको दिखाऊंगा, आई एम नॉट कैरिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट गैजेट, सो दैट कि मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह रह पाऊँ। इवन द स्लीपिंग बैग जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे, आई विल स्टे इन दैट, आई विल स्लीप इन दैट। टेंट में नहीं सोऊंगा, -15 to -30 degrees तक खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड के अंदर सोऊंगा। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो वेदर आई एम रेडी और नॉट, आई एम बिट स्केयर्ड फॉर दैट, क्योंकि टेंट के अंदर भी -5 degrees के अंदर स्लीपिंग बैग के अंदर भी हम लोग ठंड लगती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग -15 degrees तो बहुत एवरेज टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर जाएगा और खुले आसमान की जो सोना, आई एम बिट स्केयर्ड कि मेरी बॉडी जब तक प्रिपेयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर रहते हैं। देखते हैं, लेट मी शो यू माई जर्नी ऑफ राउंड वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड और नाइट स्टे एट साच पास। ये भी एक अलग ही एडवेंचर था, मूड था कि इस नाइट साच पास का, नाइट का कोई फोटोग्राफ नहीं देखा, क्लिक करने का वहाँ पे रुकने का है, तो अपनी बॉडी को वहाँ पे भी 4500 meters अबव सी लेवल में रात को -7-8 degrees था उस टाइम पे ऑन 2nd of October। सो लेट्स रोल। वो सर उनका लगता है सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि साच पास तक आ सकते हैं, वहाँ से आगे उनकी हिम्मत थोड़े गड़बड़ा जाएंगे। बहुत ठंड है इस बार, बर्फ आप देख सकते हैं पिछले साल कितनी बर्फ जमी हुई थी, इस बार आप खुद आके देख सकते हैं कितना रोड तो इस बार तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड है सर आजकल, यहाँ बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, सुबह शाम जैकेट की जरूरत है। ऐसी बात कह दी कि जो बंदे अपना प्लान बना के बैठे हैं दिसंबर में साच पास क्रॉस करने की, कब का सपने आप दिल दोनों तोड़ दिए? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो सब कुछ कर लेते। तो अभी चलते हैं वर्ल्ड डेंजरस रोड पे किश्तवाड़ की तरफ एंड देन बैक टू साच पास।
नहीं मतलब Now that was really a heck of a drive. It was very scary. लेकिन adventure में डरना हो तो वो adventure कैसा? पत्थर के बाद में जब आप downhill नीचे उतरते हैं from the left hand side, बहुत बुरी condition है. हिमाचल के जो check post है वहाँ से आप ऊपर आते हैं पहाड़ पर चढ़ते हैं. Worst road, गंदा elevation और बड़े-बड़े पत्थर बीच में, तो कार के नीचे chamber को, फुटरेस्ट, टायर सभी को भयंकर वाला खतरा. बहुत जगह आवाज़ें आई फिर मतलब इट वॉज रियली वेरी स्केरी एंड वेरी एडवेंचरस. अपना ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार आ गए तो इट्स ओवर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई न्यू दिस ईयर इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू कम हियर अगेन इन विंटर्स अलाइक लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर इट वॉज लक कि स्नोफॉल थोड़ा लेट हुआ था, सो आई टुक अप द चैलेंज फॉर माई एडवेंचरस राइड टू साच पास. लेकिन इस बार आई एम डेड श्योर अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में स्नोफॉल हो जाएगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए मैं सेप्टेम्बर में आया. एज यू हैव हर्ड फ्रॉम दिस गाय एट किलाड, ओके सुबह तो मनोज भाई से नहीं मिल पाए थे
क्योंकि सुबह मनोज भाई चंबा गए हुए थे, लेकिन अभी ये वापस आ गए हैं और हम भी डेडलीस्ट रोड से वापस आ गए हैं। ठीक है, चलो कहाँ जा रहे हो? अब साच पास। साच पास वापस अभी मैं आया था स्पीति से। स्पीति से अभी चंद्रताल से आया था, फिर उदयपुर गया था। सीधा रोड जाता है किश्तवाड़ एंड टू द लेफ्ट टर्न इट गोज टूवर्ड्स सच पास फ्रॉम किलाड़। You people can see, अभी भी ग्लेशियर है, आइस है यहाँ पर। See this. अगर अभी भी आइस है तो this time it's impossible. दिसंबर में not possible to scale SACH PASS. This year it will not be possible. बोलो देवों के विदेव महादेव की जय हो। वाहेगुरु का खालसा। हाँ, सच पास। सच पास एट 4500 मीटर अबव सी लेवल। इट्स टाइम टू से गुड नाइट टू यू पीपल। कुछ नाइट के शॉट लिए एट सच पास 4500 मीटर अबव सी लेवल। आज रात एज पर प्लानिंग कि सच पास पे रुकना है, तो आई जस्ट पिच माई टेंट कार पार्क और मिलते हैं जल्दी आपसे कल सुबह। सो एडवेंचर करिए बट प्रॉपर नॉलेज के साथ। जहाँ भी आप जाते हैं उसकी एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपको, लोकेशन की, डेस्टिनेशन की, डूज एंड डोंट्स की। इंस्पायर हुए लेकिन प्रॉपर नॉलेज भी रखें। सो बोन चिलिंग। सो गुड बाय, गुड टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।